प्रेरणा में मीनू बताने जा रही हूँ माँ बगलामुखी की सरलतम तांत्रिक प्रयोग साधना और पूजा। माँ बगलामुखी दुष्टों का संहार करती हैं, अशुभ समय का निवारण कर नई चेतना का संचार करती हैं। इनकी साधना अथवा प्रार्थना में श्रद्धा और विश्वास असीम हो तभी माँ की शुभ दृष्टि आप पर होगी। इनकी आराधना करके आप जीवन में जो चाहें जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। समानता आजकल इनकी सर्वाधिक आराधना राजनेता लोग चुनाव जीतने और अपने शत्रुओं को परास्त करने में अनुष्ठान स्वरूप करवाते हैं। इनकी आराधना करने वाला शत्रु से कभी परास्त नहीं हो सकता, वरन उसे मनमाना कष्ट पहुंच सकता है। इनकी आराधना अनुष्ठान करते समय ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। गृहस्थ भाइयों के लिए माता की आराधना का सरल उपाय प्रस्तुत है, आप इसे करके शीघ्र फल प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान साधना आरंभ करने बैठे तो सब प्रथम शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शुभ स्थान, स्वच्छ वस्त्र, नए ताम्र पूजा पात्र, बिना किसी छल कपट के शांत चित्त भोले भाव से दशक्ति यथा सामग्री ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा कर यह साधना आरंभ कर सकते हैं। याद रहे अगर आप अति निर्धन हो तो केवल पीले पुष्प, पीले वस्त्र, हल्दी की 108 दाने की माला और दीप जलाकर माता की प्रतिमा यंत्र आदि रखकर शुद्ध आसन, कंबल, कुशा या मृगचर्य जो भी हो उस पर बैठकर माता की आराधना कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माता बगलामुखी की आराधना के लिए जब हमारी आदि इकट्ठा करके शुद्ध आसन पर बैठें उत्तर मुख, तो दो बातों का ध्यान रखें। पहला तो यह कि सिंहासन या पद्मासन हो, जब करते समय पैर के तलुओं और गुहा स्थानों को ना छुएं, शरीर, गला और सिर सम स्थित होना चाहिए। इसके पश्चात गंगा जल से छिड़काव कर स्वयं पर या मंत्र पढ़े, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाड गतो विवा या समरेत पुंडली काक्ष साभ्रम अभांतरा शुचि। उसके बाद इस मंत्र से दाहिनी हाथ से आचमन कर ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, अंत में ओम ऋषिकेशाय नमः कहके हाथ धो लेना चाहिए। इसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 3 बार प्राणायाम करें, चोटी बांधे और तिलक लगाएं। अब पूजा दीप प्रज्वलित करें, फिर विघ्न विनाशक गणपति का ध्यान करें। याद रहे ध्यान अथवा मंत्र संबंधित देवी देवता का संपर्क नंबर है। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण करते हैं उस देवी देवता के पास आपकी पुकार तुरंत पहुंचती है, इसीलिए मंत्र शुद्ध पढ़ना चाहिए। मंत्र का शुद्ध उच्चारण ना कोई पर कोई फल नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान ही होगा, इसीलिए उच्चारण पर विशेष ध्यान रखें। अब आप गणेश जी के बाद सभी देवी देवतादि कुल वास्तु नवग्रह और इष्ट देवी देवतादि को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हुए कष्ट का निवारण कर शत्रुओं का संहार करने वाली बगलामुखी का विनियोग मंत्र दाहिने हाथ में जल लेकर पढ़ें। ओमस्त श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषिया त्रिछुट छंदा बगलामुखी देवता ही बीजम स्वाहा शक्ति ममाविष्ट सिद्धिर्थे जपे विनियोगा। जल नीचे गिरा दें, हम माता का ध्यान करें। याद रहे सारी पूजा में हल्दी और पीला पुष्प अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ध्यान मध्ये सुवा सुधाब्धि मणि मंडप रत्न वेधाम सिंहासनो परिगताम परिपीत वणाम पतिम्बरा पिताम्बरा भरण माल विभूषितांडगी देवी भजामी घृत भद्र भैरी जिहाम जिहाग्र मदाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपिड यंतीम गदाभि घातेन जा दक्षिणेन पीताम्बर ढया त्रिभुजा नमामि। अपने हाथ में पीले पुष्प लेकर उपरोक्त ध्यान का शुद्ध उच्चारण करते हुए माता का ध्यान करें। इसके बाद यह मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तभ्य स्तभ्य जियाम किले किले बुद्धि विनाशय ही ओम स्वाहा।
इस मंत्र का जाप पीली हल्दी की गांठ की माता से प्रार्थना करें। आप चाहे तो इसी मंत्र से माता की षोडशोपचार विधि से पूजा भी कर सकते हैं। आपको कम से कम 5 बातें पूजा में अवश्य ध्यान रखनी है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध और स्वच्छ आसन, गणेश नमस्कार और घी का जोत, ध्यान और शुद्ध मंत्र का उच्चारण, 5 पीले वस्त्र पहनना और पीली हल्दी की माला से जाप करना। तिल और चावल में दूध मिलाकर माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है और दरिद्रता दूर भागती है। गूगल और तिल से हवन करने से कारागार से मुक्ति मिलती है। अगर वशीकरण करना हो तो उत्तर की ओर मुख करके और धन प्राप्ति के लिए पश्चिम की ओर मुख करके हवन करना चाहिए। मधु, शहद, चीनी, दुर्वा, गुरुच और धान के लावा से हवन करने से समस्त रोग शांत हो जाते हैं। गिद्ध और कौवे के पंख को सरसों के तेल में मिलाकर चिता पर हवन करने से शत्रु तबाह हो जाते हैं। भगवान शिव के मंदिर में बैठकर 125,000 जाप फिर ददांश हवन करें तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधु, घी, शक्कर और नमक से हवन आकर्षण वशीकरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।